मारा है, पुलिस जनों के संगठन को वैधानिक मान्यता दिया जाए। दूसरी मांग है कि राज्य के विधान परिषद में पुलिस जनों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। तीसरी मांग है कि 1861 के पुलिस रेगुलेशन को समाप्त कर नए भारतीय सेवा के अनुसार पुलिस रेगुलेशन को बनाया जाए। पांचवा मांग है हमारा, ये हमारी सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो हमारी वेतन विसंगतियों को लेकर के है। बॉर्डर स्कीम को खत्म करिए, हमारी वेतन विसंगतियों को समाप्त कीजिए, विधान परिषद में प्रतिनिधित्व दीजिए और हमारा संगठन को वैधानिक मान्यता दीजिए। और ये जो भी विरोध है, विरोध नहीं है, ये पुलिस कर्मियों की गलानी है। जो मतलब प्रदेश में एक महीने में 14 पुलिसकर्मी आत्महत्या कर रहे हैं, ये उनके अंदर कुंठा पैदा हुआ है। इन चीज़ों को दूर किया जाए, इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को, समाज सेवियों को इकट्ठा करके हमने एक समाज में पुलिस और जनता के प्रति अच्छा व्यवहार की व्यवस्था, ताकि पुलिस और जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करने में कोई दिक्कत न हो, पुलिस के कतिपय मांगों को हम राज्यपाल को ज्ञापन दिए हैं।